फ्रेंड्स तो शुरू करते हैं आज की हमारी नई यूट्यूब वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप देखिए कि हम ये 3D क्ले का फ्लावर पॉट बनाने वाले हैं, जो कि हमने एक छोटे से नॉर्मल से एक फ्लावर पॉट को कितना यूनिक से अच्छा सा लुक दिया है। तो ये फ्लावर पॉट मुझे 15 रुपीज़ का मैं ले आई थी, क्योंकि हल्का सा कहीं से डैमेज भी हो रखा था। तो इसमें आपको मैंने फिर 3D इफेक्ट दिया है और आप ये देखिए कितना सुंदर हो गया है। 15 रुपीज़ में आपका इतना सुंदर से फ्लावर पॉट तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक वॉल प्राइमर का कोट कर देते हैं। वॉल प्राइमर का कोट करने से कलर में शाइन अच्छे से आ जाती है। अगर आपके पास में वॉल प्राइमर ना हो तो आप विदाउट वॉल प्राइमर के भी कर सकते हैं, मगर वॉल प्राइमर करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए मैं इस पर एक वॉल प्राइमर का पूरा कोट कर देती हूँ। कोट करने के लिए मैं इस पर के बाद सुखाने के लिए रख देती हूँ। सूखने के बाद इसमें हम करेंगे शिल्पकार क्ले का यूज़। शिल्पकार क्ले को के दोनों पैकेट हम पहले कट कर लेते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे इतना मिक्स करना है कि इसमें जो दो अलग अलग कलर हैं, एक वाइट और एक ग्रे, दोनों को हम जब मिक्स करते हैं तो ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए और ये एकदम वाइट कलर का हो जाए। मिक्स होने के बाद में दो अलग अलग शीट नहीं होनी चाहिए, इतना प्रॉपर मिक्स कर दें। उसके बाद हम जब ये पूरा क्ले बन जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं मैंने अभी इसे मिक्स किया है, मिक्स करने वाली हूँ और अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जब ये प्रॉपर तरीके से बन जाए, क्योंकि अभी आपको पता है कि थोड़ा सा गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में चीज़ें बहुत जल्दी से सूख जाती है। तो ये पूरा बन जाने के बाद देखिए इसका ये डो तैयार है। इसका डो तैयार होने के बाद आप इसे एक एयरटाइट बॉक्स में रखिए, ठीक है, जिससे ये सूखे ना। अगर आप इसे खुला ही छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल पत्थर की तरह ठोस हो जाएगा और यूज़लेस हो जाएगा, आप इसे कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको इसे फेंकना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब आप शिल्पकार क्ले काम में लेते हैं तो आप उसे एयरटाइट कंटेनर में बनाकर इसका डो तैयार करके रखिए। और देखिए अब मैं इसके ऊपर अपना एक जो मैं बनाने जा रही हूँ 3D फ्लावर, वो मैं इसके सेंटर का पॉइंट ड्रॉ कर देती हूँ। फ्लावर के सेंटर का पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया है ओवल शेप का पेंसिल से। ये देखिए तीनों तैयार है। अब मैंने क्ले लिया है और इसका तीन सर्कल्स बनाऊंगी और इसका सेंटर पॉइंट बनाऊंगी। इस ये क्ले थोड़ा स्टिकी होता है, तो स्टिकी ना हो इसलिए मैं इसको हल्का सा पाउडर यूज़ में लेती हूँ, जिससे ये थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस आ जाए। और इसको चिपकाने के लिए हम फेविकॉल को यूज़ में लेंगे, फेविकॉल का यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारे ये तीनों तैयार है और थोड़े से ये मोटे होने चाहिए, जिससे इसका लुक लगे कि हाँ ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट में आएगा। इसको ज़्यादा आप फ्लैट ना बनाइए, इसे थोड़ा सा उभारा हुआ बनाइए। अब हम इस पर फेविकॉल लगा देते हैं। फेविकॉल थोड़ा सा ही लगाना है, आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का, क्योंकि इसमें शिल्पकार क्ले में खुद की स्ट्रिक्टनेस होती है, वो उससे भी चिपक जाता है। थोड़े सी सेफ पॉइंट के लिए हम इसमें ये फेविकॉल से चिपका देते हैं, बाकी अगर ना हो तो ये ऑटोमेटिक वैसे भी चिपक जाता है, मगर फेविकॉल लगा देने के बाद रिस्क कम हो जाता है और ये अच्छे से चिपक जाता है। ये देखिए चिपक गया है। अब हम सीज़र की सहायता से इसके सेंटर के इस पॉइंट पे हम इसको 3D इफेक्ट देने के लिए, पॉइंट्स बनाने के लिए इससे होल करेंगे। ये देखिए सीज़र की सहायता से मैं इसमें कैसे डिज़ाइन दे रही हूँ। तो हम ये इसके सेंटर में भी और साइड में भी करेंगे अच्छे से। ये आप देख रहे होंगे कि कितने से उभरे हुए दिख रहे हैं। इसके बाद जब हम इसमें कलर करेंगे तो इसका तो लुक और ही अलग हो जाएगा। तो ये काम हम तीनों में ही करेंगे और अच्छे से करेंगे, फिनिशिंग से बारीक बारीक इसके सीज़र के टॉप वाला पॉइंट से करेंगे। ये मोटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक होने चाहिए। ये देखिए तैयार हैं और ये सूख भी चुके हैं। सूखने के बाद हम अब दूसरा क्ले लेंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, अब आप जो इसकी पेटल्स बनाएंगे वो आपको सारी ही तैयार करके रख लेनी है। अगर आप एक दो पेटल्स बना के रखते हैं फिर इसे स्टिक करेंगे तो क्या होगा, आपका सारा शिल्पकार क्ले सूख जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जब मुझे बनाने होते हैं तो मैं सारे के सारे ही पेटल्स बना के पहले तैयार करके रख लेती हूँ। और ध्यान रखिए ये जो पेटल्स आप बनाएंगे उसको हल्का सा कर्व शेप देना ना भूलें, हल्का सा इसको कर्व करें, घुमा दें उंगली से थोड़ा सा, और सारी ही ये सारे पेटल्स बना के तैयार करके रख लें। और जब ये तैयार हो जाएंगी सारी की सारी, उसके बाद आप इसे स्टिक करें। अगर आप थोड़ा थोड़ा बना के स्टिक करते रहेंगे तो आप बाद में देखेंगे कि आपका सारा शिल्पकार क्ले सूख चुका है पीछे का, इसीलिए सबसे पहले आप सारे पेटल्स बना के तैयार कर लीजिए।
तो ये देखिए मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ। पहले मैंने सारी पेटल्स बना ली है, स्टार्टिंग का पॉइंट मोटा और लास्ट का पॉइंट पतला कर रही हूँ और हल्का सा उंगली से उसे शेप दे रही हूँ। ये बनाना बहुत ईजी है, टफ नहीं है। ये आप देख ही रहे हैं, अब मेरी सारी तैयार हो चुकी है और इसका शेप भी आ गया है, जैसे मैंने इसे उंगली से थोड़ा सा घुमा दिया था सूखने की। अब ये प्रॉपर तरीके से सूख भी गई हैं। अब हम वन बाय वन वहाँ लगा देंगे। याद रखिए, सबसे पहले हमें सेंटर में एक बड़ी लीफ चिपकानी है और उसके दोनों साइड में छोटी छोटी लीफ बनानी है, तभी इसका फ्लावर का लुक आएगा। तो सबसे पहले मैंने फेविकॉल लगा के ये लीफ चिपका दी है। स्टार्टिंग और एंड वाले पॉइंट पर गम लगाना है और फिर इसे चिपका दे रही है। अब इस जगह मैं छोटी छोटी पेटल्स लगाऊंगी तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग बनती जाएंगी। सेंटर में बड़ा, उसके पास में मीडियम और सबसे लास्ट में छोटा, इस अकॉर्डिंग पैटर्न बनाएंगे तो ये पूरा तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और गम थोड़ा सा अच्छे से लगा दिए स्टार्टिंग में और एंड में, ऐसे करके इसको आप अच्छे से चिपका सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सेंटर वाला जो आप पेटल लगाएं वो हमेशा बड़ा ही लगाएं, क्योंकि ये हम सेमी फ्लावर बना रहे हैं, आधा दिखने वाला, हम इसे फुल फ्लावर का लुक नहीं देंगे। तो ये हमारा एक कोट तैयार हो चुका है। इसे और 3D इफेक्ट देने के लिए, इसके और पेटल से भरने के लिए, ये जब सब सारी सूख जाएंगी, पहले ये प्रोसेस हम तीनों फ्लावर में करेंगे। ये देखिए हमने तीनों फ्लावर में ये प्रोसेस कर दिया है। अब जो आपको गैप खाली दिख रहा है उसके बीच में भी हम एक एक पेटल्स लगाकर इसे फिल कर देंगे। ये देखिए, अब जो फ्लावर के हर एक फ्लावर के पेटल के बीच में जो आपको स्पेस खाली छोड़ रहा था, उसके बीच में भी एक एक पेटल चिपकाते जाएंगे। तो ये देखिए, अब ये पूरा तैयार हो चुका है। पेटल्स वगैरह लगाने देने के बाद इसका फेविकॉल वगैरह सूख जाए, इसीलिए हम इसे कम से कम 20 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देंगे। देखिए सूखने के बाद ये कितने अच्छे से लुक दे रहा है। अब मैंने इसके बेस के लिए वाइट एक्रेलिक पेंट किया है इसके ऊपर, और इस पर पिंक कलर के फ्लावर्स बनाऊंगी। आप अगर वाइट एक्रेलिक पेंट ना करना चाहते हैं, इसे वाइट लुक नहीं देना चाहते हैं, तो आप इसे एक दूसरा भी कलर कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि इसे, मैं कंफ्यूज थी कि इसे वाइट का बेस बनाऊं या स्काई ब्लू कलर का बनाऊं, फिर मैंने बहुत सोचने के बाद वाइट कलर का बेस बनाया है। आप चाहे तो इसे स्काई ब्लू भी लुक दे सकते हैं, इसका बैकग्राउंड बहुत सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, वाइट एक्रेलिक पेंट करके अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसके सेंटर का पॉइंट करने की बारी है। सबसे पहले मैं इन तीनों पर ब्राउन का कोट कर दूँगी। तो ये देखिए, मैं सेंटर वाले पॉइंट पर ब्राउन का कोट कर रही हूँ। ब्राउन कोट करने के बाद में हम इसके बाद में इस पर डार्क येलो कलर का कोट करेंगे, फिर ऑरेंज कलर का कोट करेंगे। तो ये देखिए, डार्क येलो कलर का कोट करने के बाद में फिर हम इसके ऊपर सेम यही प्रोसेस करेंगे, ऑरेंज कलर का कोट करेंगे, मगर हल्का सा उसे सूख देने के बाद, एकदम गीले पे नहीं करेंगे, नहीं तो वो सारा स्प्रेड हो जाएगा। ये देखिए, येलो कलर का कोट कर रही हूँ। ये तीनों चीज़ों का शेड देने के बाद इसका इफ़ेक्ट बहुत सुंदर आता है, जो कि आप इसमें देख रहे हैं, उठाव कितना अच्छे से आया है। और इसकी पेटल्स को मैं फ्लोरोसेंट पिंक और वाइट का शेड दूंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक ही ब्रश में फ्लोरोसेंट पिंक और वाइट को डिप करूँगी, स्टार्टिंग में वाइट से, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लोरोसेंट पिंक डिप करके सीधे ही इसके पेटल्स पर मैं कलर करना स्टार्ट करूँगी। तो क्या होगा, हमारा पिंक और वाइट का दोनों का शेड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, अब मैंने एक ब्रश में पिंक फ्लोरोसेंट और वाइट दोनों से डिप कर दिया और इसमें शेड्स देने स्टार्ट कर दिए। बस अब एक काम और करना बाकी है कि जब यहाँ जहाँ से ये पेटल निकलना स्टार्ट होती है, उसको मैं और अच्छे से इसकी डेप्थ दिखाने के लिए मैं इसे डार्क पिंक कलर से कोट करूँगी अंदर वाले पार्ट को, जिससे ये फूल का लुक अच्छे से आएगा। आप देख रहे हैं कि मैं अब इसमें अंदर अंदर की तरफ डार्क पिंक कलर का शेड भी देना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैं ग्रीन एक्रेलिक कलर लेकर इसमें लीव्स और स्टेम्स वगैरह बना के इसे तैयार कर दूँगी।
तो इस तरीके से हमारा ये फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।